नमस्कार दोस्तों, इसके पहले हम लोग कौन सी भट्टी पढ़े थे? इसके पहले सीमेंटेशन पढ़े थे और उसके बाद कौन सी भट्टी पढ़े थे? तो हम लोग क्रूसिबल पढ़े थे। आज हम लोग कौन सी पढ़ेंगे? तो बेसिमर विधि पढ़ेंगे। तो बेसिमर विधि को आज हम लोग बेहतरीन तरीके से जानेंगे। उसके पहले मैंने आपको बताया था कि बेंजामिन जो हमारे वैज्ञानिक थे, कौन से जो आपके सीमेंटेशन के बाद से आपका आया था, कौन सा आया था कि जो आपका भट्टी था बेसिमर के बाद क्रूसिबल वाला, तो उस भट्टी में यही बताया गया था कि अगर टंगस्टन आपके पास है, कौन सा डब्ल्यू अगर टंगस्टन आपके पास है और मोलिब्डेनम आपके अगर पास है या मैंगनीज अगर आपके पास है, तो आपका कंफर्म है कि आपको क्रूसिबल फर्नेस में ही बनाया जाएगा। क्योंकि क्रूसिबल का सबसे बेहतरीन प्रणाली कौन सी थी कि उसमें हम लोग अंदर के तरफ में भट्टी में क्या किया जाता था, बाहर के तरफ से क्या किया जाता था, कोयला डाला जाता था। लेकिन इसमें हम लोग क्या कर सकते थे, जब इसमें कार्य करेंगे तो उसके ठीक विपरीत कार्य करेगा। ठीक है, इसमें हम लोग देखें नोजल जो हमारा ब्लास्ट जो हमारा है वो नीचे लगा हुआ है, ऊपर नहीं लगा हुआ है, और उसमें क्या था क्रूसिबल वाले में, तो ठीक हमारे इसके बीचों बीच में हम किसी भी मटेरियल को रखते थे। अब इसके अगल बगल हम लोग क्या कर सकते हैं, जब इसके अगल बगल चारों तरफ हम कोयला डाल देते थे और भट्टी को गर्म कर देते तो वो भट्टी हमारी चारों तरफ से हीट होगी, वो भट्टी हमारी चारों तरफ से हीट होके इसको फ्यूजिबिलिटी टेम्परेचर पर, मतलब गलनीयता पर ला देती थी, और कुछ समय के बाद इस कोठाली से इसको निकाल कर हम लोग क्या करते थे कि भाई इसमें से जो हमें प्राप्त हो रहा है कौन सा टंगस्टन, जिसका फिजिबिलिटी टेम्परेचर की हम बात करेंगे तो 3400 डिग्री सेल्सियस आपको बताए थे, और किसी किसी बुक में आपको बताया था कि 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा, 3400 डिग्री सेल्सियस से लेके 3500 डिग्री सेल्सियस ये क्लियर है। यहाँ पर मैंने एक चीज और बताया था आपको, इसके साथ साथ टंगस्टन के साथ साथ डब्ल्यू टंगस्टन के साथ साथ आपको एक चीज और आया था कि मोलिब्डेनम था। ठीक है, तो इन सब मटेरियल को प्राप्त करने के लिए जैसे कैसे गुजारे थे हमने, सबसे पहले आपका पिग आयरन जैसे वात्या भट्टी, घटिया लोहा पिग आयरन, कास्ट आयरन आपका क्यूपोला भट्टी और नांडर भट्टी राट आयरन। तो राट आयरन जो हमारा 99.98% जो आपकी प्रशुद्धि है, जैसे 2% आपका क्या होता है कार्बन होता है, फास्फोरस होता है, मोलिब्डेनम होता है, मैग्नीज होते हैं, ईटीसी, ऐसे मतलब जो भी इसमें अशुद्धियां होती है 99.98 के बाद से जो 2% होती है, तो वहां पर हम बेसिमर विधि में न लगाते हुए सीधे क्यूपोला क्रूसिबल फर्नेस में डालते थे, और क्रूसिबल फर्नेस में डालने के बाद से तब अब हम बात करेंगे इसको फ्रेश लोहा बनाते थे, कौन सा टंगस्टन तथा मोलिब्डेनम। अब यहाँ पे बात करेंगे बेसिमर की, तो देखिए बेसिमर क्या होता है, इसी विधि में पिघले हुए कास्ट आयरन को एक विशेष प्रकार के भट्टी में डाला जाता है। तो ये यहाँ आप देख सकते हैं वो एक प्रकार का विशेष भट्टी आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर आपका चेम्बर है या चिमनी है जो कि आपका लावा या जो भी है यहाँ की प्रक्रिया होने के बाद से निकलती जाती है। ठीक है, ये आपका ब्लास्ट पाइप या ट्यूब लगा हुआ है, आप देख सकते हैं जालीदार आपने आपको बनाया दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका एयर कंडीशनर है आपका या ब्लास्ट है, और यहाँ पर ट्यूयर्स मतलब आपके एक विंस लगे होते हैं, खांचे लगे होते हैं कि किसी भी भट्टी में किसी भी मटेरियल को जब डाला जाएगा तो वहां पर ताप दे के उस प्रक्रिया को क्या है बना सके और दिखा सके। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम बात कर लेते हैं कि बेसिमर का जो एरिया होता है एक अंडाकार होता है, आपकी जो आकृति देख रहे हैं ये खुद की आकृति जो है एक प्रकार की अंडाकार है, और इस अंडाकार की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि सबसे पहले ये स्टील कास्टिंग की होती है। ये जो दीवार आपको बताए थे इसके पहले मैंने किसका राट आयरन का बताया था, मोलिब्डेनम का बताया था, और आपका क्रूसिबल का बताया था, सीमेंटेशन का बताया था, तो जिसमें ये बताया था कि उसमें जो ये दीवार बनी होती है फायर ब्रिक्स की बनी होती है, किसकी फायर ब्रिक्स की बनी होती है, किसका फायर ब्रिक्स की बनाया जाता है। ये ध्यान देने योग्य बातें इसमें, ये जो दीवार बने हुए हैं ये सारे फायर ब्रिक्स की, अगर दीवार इसकी नहीं बनेगी तो ये ब्लास्ट कर जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो फिजिबिलिटी टेम्परेचर है इस ब्रिक्स को उसका टेम्परेचर को सहन करने की प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे, ये अंडाकार होता है और ब्रिक्स हमारे इसमें नीचे से सबसे बड़ी बात करेंगे, इसके नीचे एक पेद होती है और नलिका होती है जिसमें खांचे देख सकते हैं इसमें लगा हुआ है। ठीक है, अब उस नलिका के द्वारा क्या होता है, हवा को निषेचन करके अब इसको टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, और एक निश्चित टेम्परेचर पर रखकर इसको पिघला कर, इसको क्या क्या लोहे को हम पिघलाते हैं, और पिघलाने के पास एक प्रकरण नालियों के द्वारा क्या करते हैं इसको एक ऐसे प्रक्रिया के द्वारा गुजारा जाता है कि भाई मान लीजिए कोई मतलब ऐसे पिलास हो या संडासी हो पकड़कर, तो संडासी पिलास तो भट्टी से हम पकड़ नहीं सकते, ऐसे प्रक्रिया से इसको ढाला जाता है कि मलवा बाहर निकल जाए, जो हमारा ब्लास्ट है जो इसमें मटेरियल बची हुई है वो मटेरियल हमारे पास यहाँ पे आ जाए। ठीक है,
यहाँ पर क्या होता है, जो बुलबुले के रूप में ऊपर होती है वो स्लैग जो अशुद्धियाँ होती हैं ऑक्साइड के रूप ले लेती है। किसका? ऑक्साइड के रूप में। यहाँ का जो एरिया होता है वो ऑक्साइड ऑक्साइड के रूप ले लेता है। किसका? ऑक्साइड के रूप। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, देख लीजिए, ऑक्साइड के रूप ले लेता है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, जो बुलबुला होता है वो ऑक्साइड के रूप लेता है। इसके टेम्परेचर की बात करेंगे, भट्टी का तो कितना तक होता है? 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 2500 डिग्री सेल्सियस। इसका टेम्परेचर 2500 डिग्री सेल्सियस। फास्फोरस भी जल जाते हैं। इसमें क्या होते हैं कि सल्फर तथा फास्फोरस, कौन से? सल्फर। अरे सल्फर खेत में डालने वाला सल्फर नहीं, यहाँ पे भट्टी का सल्फर हम बता रहे हैं। सल्फर तथा फास्फोरस, फास्फोरस भी क्या होते हैं, इस भट्टी में जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फास्फोरस तथा सल्फर भी इस भट्टी में जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और कुछ क्षणों के लिए नमूना, जैसे प्रयोगशाला में कुछ क्षणों के लिए नमूना रोक कर, जैसे कार्बन जो जले होते हैं, इसके कार्बन, उसको हम लोग दिखा सकते हैं कि भाई ये चीज़ जला हुआ है, और कुछ मात्रा को छोड़ देते हैं। बढ़िया किस्म की ढलाई के लिए हाई कार्बन स्टील, या मतलब कार्बन स्टील को गर्म करके हम फायरोमैग्नीज में डाला जाता है। बढ़िया किस्म के, जैसा हाई कार्बन स्टील HCS, हाई कार्बन स्टील या कार्बन स्टील को हम क्या करते हैं, लेते हैं। इसमें लोहे को कौन सा लोहा लेंगे? तो हाई कार्बन स्टील और कार्बन स्टील को लेंगे, और उसमें क्या करेंगे, फायरोमैग्नीज में डालेंगे, और इस पिघले हुए लोहे को लैंडस में भर कर इनगट्स में डाल दिया जाता है, तथा इनगट्स रोल करके विभिन्न आकार को हम बदल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि छोटे छोटे टुकड़ों में इसको क्या करता है, हाई कार्बन स्टील या कार्बन स्टील को क्या करते हैं, रूपांतरित करके लिक्विड फॉर्म में और छोटे छोटे टब में इसको रख लिया जाता है। और वो भी टब क्या होती है, फायर वुड्स की होती है। कहीं कहीं पर तो कांच के बनाए जाते हैं, जो चटके ना, उस प्रकार के कांच भी हमारे देखिए कई प्रकार के होते हैं, जैसे गिलेरा आयस्क उसका होता है, तो इस प्रकार से होती है। पीवी मतलब लेड, लेड मतलब कांच। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाले बात है, क्योंकि शोल्डर लेड जब पढ़ाएंगे तो इसमें क्लियर करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बेसमेंट विधि क्या है, सिंपल आप समझिएगा, इसमें क्या क्या पूछेगा। टेम्परेचर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, 2500 डिग्री सेल्सियस यहां पे बढ़ेंगे। ऑक्साइड जो फ्लक के रूप में होती है यहां से बाहर निकल जाती है। आपका ब्लास्ट पाइप जो होता है यहां से एयर ब्लू के द्वारा यहां से नोजल तक यहां लाता है, ब्लास्ट बॉक्स तक लाता है। और ये आपका जो पाइप आपका दिख रहा है, ये आपका क्या होता है, ट्यूबियर्स होते हैं। ठीक है, और ट्यूबियर्स के बाद सबसे बड़ी बात करेंगे, यहाँ सल्फर और फास्फोरस जो होते हैं जीरो मात्रा में जड़ के कार्बन का प्रस्तुति बन जाती है। अब यहाँ पे बात करेंगे इस दीवारों की, तो दीवार किसके बने होते हैं, तो स्टील काजिंग की जाती है। मतलब आपका कहा जाए तो यहाँ पर फायर विक्स की दीवार बनाई जाती है। किसकी? फायर विक्स की दीवार बनाई जाती है। ये हमारी बेसमर विधि है, और इसमें सबसे ज्यादा बात करेंगे तो 99.98 का जो लोहा होता है वो क्रूशिबल में होता है, यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पे कौन से लोहा को लेंगे, हाई कार्बन स्टील या कार्बन स्टील का लिया जाएगा। चलिए नमस्कार, अगले वीडियो मिलते हैं।